नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्टर 25 से लेकर सेक्टर 57 तक की जो डेवलपमेंट हुई थी, किस हिसाब से डेवलपमेंट हुई थी, साइबर सिटी कब डेवलप किया गया था, गोलकोस रोड किस तरीके से डेवलप किया, क्या क्या डेवलपमेंट हुई। तो दोस्तों इससे पहले हमने वीडियो पार्ट नंबर 1 बनाया था जिसमें हमने सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 23A तक की डेवलपमेंट को समझा था पार्ट 1 के अंदर, और ये वीडियो नंबर पार्ट 2 है। हम आगे धीरे धीरे डेवलपमेंट के वीडियो पार्ट यहाँ पे आपके साथ लेके आएंगे, पूरे गुड़गांव मास्टर प्लान को यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना और प्रॉपर तरीके से हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि उसके बाद ये पार्ट आपको समझ में आएगा। तो वो वीडियो देख के आप ये वीडियो उसके बाद देखना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, गुड़गांव मास्टर प्लान 2031 वीडियो पार्ट नंबर 2 और फेस 2। चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में फेस 2 को। तो गाइस ये है गुड़गांव मास्टर प्लान और हमने सबसे पहले फेस 1 को समझा था, इसको मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं फेस 2 सेक्टर 24 से लेके सेक्टर 57 तक के। तो दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार वो जरूर देख लेना, ताकि आपको पीछे की जो डेवलपमेंट हमने डिस्कस किया था वो समझ में आके आपको पार्ट 2 में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। तो जो फेज 2 आया था, हम इसको फेज में डिवाइड कर रहे हैं। तो फेज 2 में डेवलपमेंट सेक्टर 24 से लेके सेक्टर 57 में तक की गई थी। इन सेक्टरों के अंदर प्रॉपर हुड्डा यानी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ भी प्लॉट और कुछ कमर्शियल सेक्टर को बढ़ावा दिया। यानी जो फेस 1 था उसमें आपको औद्योगिक सेक्टर देखने को मिले थे, कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जो फेस 2 आया था इसके अंदर आपको कमर्शियल एक्टिविटीज के साथ साथ आपको हुड्डा सेक्टरों के अंदर भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइबर सिटी डेवलप की गई थी और साइबर सिटी ओपन की गई थी 2003 के अंदर, जो कि डीएलएफ का मेजर पार्ट है। और डीएलएफ ने यहाँ पे साइबर सिटी को जब डेवलप किया गया था तो यहाँ पे डीएलएफ ने जो बिल्डिंग है वो सेल नहीं की। यहाँ पे 500 प्लस जो कंपनियां हैं एमएनसीज कंपनी आईटी हब यहाँ पे क्रिएट किया गया और जो मेजर आईटी जो कंपनी थी उनके हेड ऑफिस यहाँ पे सेटअप किए गए। तो आज गुड़गांव में जैसे जैसे कंपनियां बढ़ती गई और वैसे वैसे यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो साथ के साथ बढ़ ही रहा था। तो लोगों का आना प्लस उसके साथ साथ रेजिडेंशियल का बढ़ावा होना, उसके साथ साथ हुड्डा ने आगे के आगे सेक्टर को यहाँ पे डेवलप करने का प्लान करते गए। तो यहाँ पे हुड्डा ने जितने भी सेक्टर डेवलप किए गए थे, हर सेक्टर के अंदर आपको हुड्डा ने कुछ प्लॉटिंग है वो की गई थी, जिसमें पहले एप्लीकेशन डालना पड़ता था, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लॉट है वो अनाउंस किए जाते थे। 60 गज थे, 100 गज थे आपके, 160, 200 गज, 204 गज, 263 यार्ड, फिर 300, फिर 500, 1000, इस तरीके के प्लॉट थे वो अनाउंस किए गए थे। तो सबसे पहले अगर हम देखें आपका फेज 2 के साथ जो मेजर रोड है वो नेशनल हाईवे NH8 जो लगता है, वो नेशनल हाईवे NH8 के ऊपर कौन कौन से सेक्टर लगते हैं, 25A, 25, 29, 30, 31, 32 और फिर आ जाता है 33, 34, 35। ये आपके सेक्टर फेज 2 के अंदर आते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें साइबर सिटी, साइबर सिटी आपके सेक्टर 25 और आपके 25A के अंदर आपका साइबर सिटी 2 का पार्ट आता है। अगर हम लिविंस मॉल वो यहाँ पे है। उसके बाद अगर चीज़ें देखें आपकी जो गोलकोस रोड, इसमें मेजर पार्ट आया था इस फेज 2 के अंदर प्राइस को लेके। यानी फेज 2 में सबसे महंगी जो प्रॉपर्टी थी वो गोलकोस रोड के ऊपर है और आज भी है। तो गोलकोस रोड आपका सेक्टर 25A यानी नेशनल हाईवे NH8 से लेके घाटा गांव, यहाँ पे एक गोलकोस एक्सटेंशन रोड के ऊपर आपका टी पॉइंट बनता है। इसकी अगर टोटल लेंथ देखें तो 9.68 लेंथ इसके ऊपर की टोटल लेंथ है वो पड़ती है। और इसके अंदर आपके जितने भी जो सर्कल आएंगे, जितने भी जो रेड लाइट आएंगी, वो सारी की सारी आपकी रेड लाइट फ्री है और अंडरपास बनाए गए। तो गोलकोस रोड के ऊपर सेक्टर की अगर हम बात करें, सेक्टर 25A, 25, 26, 26A, 28, आपका उसके बाद 27 का ये वाला छोटा पार्ट आ जाता है, 43 आ गया, 42 आ गया, 53 आ गया, 54, 55 और 56, ये सेक्टर सारे के सारे आपके गोलकोस रोड के ऊपर लगते हैं।
और गोल्ड कोस्ट रोड के ऊपर मेजर जो प्रॉपर्टी आती है वो बाई डीएलएफ आती है, क्योंकि डीएलएफ ने ही गुड़गांव की सबसे महंगी प्रॉपर्टी बिकने वाली अरारियाज कमेलियाज वो आपके सेक्टर 42 के अंदर है, जो कि 100 करोड़ रुपए की, आपने सुना होगा कि पीछे एक 100 करोड़ का फ्लैट यहाँ पे सेल हुआ है, वो सेक्टर 42 के अंदर हुआ है। उसके बाद जैसे देखा जाए फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, ये सारे के सारे आपके गोल्ड कोस्ट रोड के ऊपर लगते हैं। 43 के अंदर आपका फेज 5, फेज 2, ये सारे एरिया आपका फेज 5 के अंदर आ गया। फेज 1, फेज 2, ये सारे एरिया आपके डीएलएफ के हैं, जिसमें डीएलएफ ने लो राइज बिल्डर फ्लोर, डीएलएफ ने प्लॉट, हाई राइज अपार्टमेंट्स, ये सारे हर प्रकार की प्रॉपर्टी यहाँ पे डीएलएफ ने है वो बनाई हुई है। जितना भी जो ये एरिया आप ओपन देख रहे हो, सारा का सारा आपका अरावली का एरिया आता है, यानी ये जो रोड है एक ये फरीदाबाद को चला गया, ये बाईपास यानी ऊपर की ऊपर अगर हम देखें तो टू मेहरौली दिल्ली की तरफ ये चला जाता है। ये जो लाइन है ये येलो लाइन है मेट्रो की, जो सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन यहाँ पे बनता है। उसके बाद अगर आगे जाते हैं तो यहाँ पे एमजी मेट्रो स्टेशन, उसके बाद यहाँ से अगर आते हैं तो यहाँ पे हुडा मेट्रो स्टेशन है, और इस रोड के ऊपर है आपका इपको चौक। इपको चौक और आपका हुडा मेट्रो स्टेशन, ये लास्ट स्टेशन है गुड़गांव के येलो लाइन के। और सेक्टर 44 को देखो तो ये एक पब्लिक सेक्टर है, जिसके अंदर आपका गुड़गांव का अच्छा खासा हॉस्पिटल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका फोर्टिस हॉस्पिटल है। फिर यहाँ इस सेक्टर के अंदर आपकी काफी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स वगैरह हैं, यानी ये पब्लिक यूटिलिटी के लिए ये सेक्टर है। उसके बाद अगर हम सेक्टर 29 की बात करें, सेक्टर 29 में अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि सेक्टर 29 के अंदर सेंट्रल बोर्ड डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा गुड़गांव का, जो कि 100 एकड़ को दोबारा से रीडेवलप किया जाएगा, और इस एरिए में फिर से कमर्शियल को एक्टिविटीज मिलेगी और बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इसका जो मेजर जो फ्रंट है, ये वाला जो फ्रंट है, ये आपका नेशनल हाईवे NH8 के साथ लगता है, और इसके साथ साथ ही RRTS का प्लान भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मेट्रो भी जानी है आपकी ट्रेन यहाँ से ऊपर से, साथ में आपकी रैपिड आपके जो येलो लाइन है वो साथ में कनेक्टेड है। तो उसके साथ अगर हम देखें तो इसमें फेज टू में अगर दूसरी डेवलपमेंट देखें तो इसके साथ साथ में ऐसे अभी ये हुडा मेट्रो स्टेशन की जो लाइन है ये आगे जानी है, यानी गुड़गांव के इंटरनल उस हिस्से के अंदर भी अगर देखा तो मेट्रो का रूट यहाँ पे बनना है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक तो यहाँ पे ये आपका जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है IT को डेवलप करने के लिए। सेक्टर 22 फेज 2 के अंदर आता है, ये भी पब्लिक सेक्टर है। 32 के अंदर आपका फिर सेक्टर 38 के साथ लगता हुआ मेदांता हॉस्पिटल है, ताऊ देवीलाल है, उसके बाद राजीव चौक का पार्ट आ जाता है। 32 के अंदर भी आप देखेंगे ज़्यादा आपकी कमर्शियल बिल्डिंगें देखेंगे, लो राइज की, ज़्यादा हाइट की कमर्शियल नहीं है। अभी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे कुछ बिल्डिंगें हैं वहाँ पे अभी हाई राइज की बन रही है, जिसमें कमर्शियल एक्टिविटीज होगी, तो इसमें रेजिडेंशियल नहीं है, सिर्फ आपकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो आती है। जितने भी आप ये येलो पार्ट देख रहे हैं, ये सारे के सारे येलो पार्ट आपके हुडा सेक्टर्स के हैं। सेक्टर 48 ये वाला पार्ट आपका आया था जो फेज 2 के अंदर, यानी ये सोना रोड फेज 2 के अंदर आता है, ठीक है। इसके अंदर सोना रोड को डेवलप करने का प्लान किया गया है। सोना रोड पे सेक्टर 49, सेक्टर 47, 38, 33 और सेक्टर 48 लगते हैं, और साथ में एक यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन है, वायरलेस स्टेशन जिसको हम बोलते हैं, ये फेज 2 का पार्ट है। उसके बाद अगर हम देखें फेज 2 के अंदर क्या क्या कनेक्टिविटी निकाली गई, सबसे पहले तो गोल्ड कोस्ट रोड को रेडी किया गया, जिसमें कनेक्टिविटी इन सेक्टरों को दी जाए, जितने भी ये सेक्टर देख रहे हैं इन सेक्टरों को कनेक्टिव देने के लिए। उसके बाद सेक्टर 57, 50, 59 को कनेक्टिव देने के लिए आपकी डेवलप किया गया था गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड, और इसको कनेक्ट कर दिया गया था सोना रोड के साथ, आगे ये सीधा फरीदाबाद को कनेक्ट कर दिया गया। तो यानी अगर देखे जाए तो इसके अंदर फेज 2 के अंदर आपका कमर्शियल एक्टिविटी, साइबर सिटी, साथ में औद्योगिक सेक्टर को, यानी जो आपके इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स हैं, ये वाले जितने भी सेक्टर आते हैं, इन सेक्टरों को बनाया गया HSIDC के अंदर। जितने भी औद्योगिक सेक्टर आप हरियाणा के अंदर देखेंगे वो सारे के सारे HSIDC के अंडर आते हैं, और HSIDC ही इंडस्ट्रियल, कोई प्लांट लगना है, कोई आपकी जमीन एक्वायरमेंट के अंदर आपके इंडस्ट्रियल जोन के अंदर आती है, तो सारा का सारा जो काम है वो HSIDC के अंडर होगा। तो ये सारी जो डेवलपमेंट है ये फेज 2 के अंदर आई। CPR और द्वारका एक्सप्रेस वे तो बाद में
डेवलप किए गए थे, बाद में इनका प्लान था। उससे पहले इन सेक्टरों को कनेक्टिविटी देने के लिए पटौदी रोड था जो पुराना रोड था, तो पटौदी रोड के साथ कनेक्टिविटी, साथ में आपका नेशनल हाईवे NH8, क्योंकि जो ये सेक्टर बनाए गए थे औद्योगिक सेक्टर इसलिए बनाए गए 36B, 37B, 36, 35, 34, 33, क्योंकि ये बिल्कुल आउटर सेक्टर थे उस टाइम, कि शहर से बाहर इंडस्ट्रियल बनाया जाए, शहर के अंदर ना बनाया जाए। और जब आपका ये सेक्टर 18, 19, 20 औद्योगिक सेक्टर बनाया गया, तो उस टाइम ये वाला जो एरिया था ये सबसे आउटर एरिया था, तो इसलिए सोचा कि हम इसको दिल्ली के पास रखते हैं ताकि आपकी जो आपका एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो, साथ में जो NH8 है उसकी कनेक्टिविटी दे देते हैं, साथ में मारुति का प्लांट है। तो उस टाइम ये नहीं पता था कि इतनी डिमांड पड़ जाएगी कि आगे नए सेक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद देखा जाए तो ये 37 वाला जो हिस्सा था, 37 को ही कई पार्ट में बनाया गया, 37A, 37B, 37C, 37D, तो 1, 2, 3, 4, 5 सेक्टर 37 के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो दो मेजर डेवलपमेंट आई, एक तो मेट्रो की हुई थी, दूसरा गोलकोस्ट रोड की, और उसके साथ मेजर पार्ट लगा नेशनल हाईवे NH8 और मेदांता हॉस्पिटल का गुड़गांव के अंदर आना। और अगर आप देखोगे डेवलपमेंट फेज वन के अंदर जो डेवलपमेंट जो रोड्स की है वो बिल्कुल टाइट है, यानी वहाँ पे 18 मीटर के आपको 24 मीटर के रोड मिलते थे, बहुत रेयर ऐसा रोड होगा जो 30 मीटर का होगा। लेकिन जैसे ही डेवलपमेंट दो के अंदर हुई सेक्टर 25 से लेके 57 तक, तो यहाँ पे जो डिवाइडिंग जो रोड देखे गए वो सारे 30 मीटर रोड है, लेकिन एक रोड इसमें थोड़ा सा वाइड है, वो जिसके ऊपर से अभी मेट्रो जानी है। और वो रोड कौन सा है, वो आपका रोड है ये वाला जिसके ऊपर से मेट्रो जाएगी, सेक्टर 44 से लेके फिर सुभाष चौक और फिर नेशनल हाईवे NH8, ये आपका 60 मीटर वाइड रोड है जिसके ऊपर से मेट्रो जानी है अभी। और ये इसके ऊपर जो मेट्रो रहेगी वो एलिवेटेड रहेगी, यानी ऊपर से फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, यानी पुल बनाए जाएंगे, जैसे कि अभी जो एलिवेटेड अपनी मेट्रो चल रही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये वाले जो रोड है 30 मीटर के हो गए, जो डिवाइडिंग रोड है 30 मीटर के हैं। इंटरनल रोड देखा जाए तो आपके आप आते हैं 12 मीटर के और 18 मीटर के, ज्यादातर जो टाइट गलियां होती है कहीं कहीं आपको 9 मीटर के भी रोड देखने पड़ेंगे। तो ये हुड्डा की डेवलपमेंट थी। और थर्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में और भी चीजें इंप्रूवमेंट होके आएंगी कि नेक्स्ट डेवलपमेंट की शुरुआत कैसे हुई थी और किस तरीके से यहाँ पे चीजें डेवलप की गई थी। फेज टू को डेवलपमेंट करने का मेजर जो पार्ट आया था वो ये वाला था, जिसके अंदर साइबर सिटी और DLF ने यहाँ पे शुरुआत की थी, क्योंकि गोलकोस्ट रोड जब बन रहा था तो बिल्कुल कच्चा रास्ता हुआ करता था और DLF ने अपनी प्रॉपर्टी है यहाँ पे डेवलप करनी शुरू कर दी थी। तो जब दिल्ली के लोग यहाँ पे द्वारका गोलकोस्ट रोड के ऊपर आते थे प्रॉपर्टी खरीदने तो धूल उड़ती थी, तो लोग यहाँ पे ये कहते थे कि यहाँ भी कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, और गोलकोस्ट रोड दिल्ली से बहुत दूर लगता था, बहुत दूर, तो ऐसा लगता था कि यहाँ भी कुछ नहीं आने वाला। तो DLF ने बहुत सस्ते रेटों के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो फ्लैट है वो सेल किए हुए हैं, और आज देखो इन्हीं फ्लैटों की वैल्यू है बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट है, कनेक्टिविटी है, IT सेक्टर है, सब कुछ यहाँ पे आसपास है और दिल्ली के पास भी है। और आज गुड़गांव देखो दोस्तों कहाँ पहुँच गया, जहाँ पे डेवलपमेंट फास्ट होगी वहीं पे चीज़ें आपकी डेवलपमेंट भी होंगी और आपकी प्रॉपर्टी के जो प्राइस हैं वो जंप होने के आसार ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइस इसलिए बढ़े क्योंकि साइबर सिटी के अंदर सारी की सारी IT कंपनी MNCs कंपनी बाहर से आई, और यहाँ पे जो लोग जैसे कि CEO आपके डायरेक्टर उनकी डिमांड बढ़ी प्रीमियम प्रॉपर्टी के लिए, और प्रीमियम प्रॉपर्टी बढ़ी जैसे जैसे डिमांड DLF ने आगे के आगे जो अपार्टमेंट है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी साइज उनमें इम्प्रूवमेंट होता गया। तो आज देखो DLF का 100 करोड़ का फ्लैट बिकने का कारण ही यही है। तो दोस्तों ये आपने समझा 25 से लेकर सेक्टर 57 तक की जो डेवलपमेंट है किस तरीके से हुई, बहुत सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे समझा, रोड सेक्टर्स डेवलपमेंट्स इन सारी चीज़ों के बारे में हमने क्लियरिटी से समझा। हम फेज थर्ड यानी तीसरी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्टर 58 से लेकर सेक्टर आपके 115 तक के जो डेवलपमेंट हुई किस तरीके से हुई उसको कवर करेंगे, और उसके बाद हम कवर करने वाले हैं मानेसर IMT मानेसर को। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल के ऊपर और समझते रहिए गुड़गांव डेवलपमेंट के बारे में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे और जेन्युइन तरीके से दोस्तों शेयर करते हैं ताकि जो चीज़ें एक्चुअल में आप लोगों को समझ में आए।
तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल पे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।